અમદાવાદમાં આવતા ટુરિસ્ટોએ દેખો ગુજરાત બસની મજા માણી હતી. કોરોના કાળ બાદ ઘણા સમય પછી અમદાવાદ ફરવા આવતા ટુરિસ્ટોએ દેખો અમદાવાદ બસની મજા માણી હતી. અમદાવાદના હેરિટેજ વિસ્તાર સહિત રિવરફ્રન્ટ, સીદી સૈયદની જાળી, ગાંધી આશ્રમ સાથે અમદાવાદની ધરોહરનો આનંદ ઉપાડતા પ્રવાસીઓ નજરે ચડ્યા હતા. अच्छा लगा, मतलब बस में ट्रैवल करना अच्छा लगा. और हमने सबसे पहले सीदी सैयद देखा और अभी हम कांकरिया लेक जाने वाले हैं, तो डबल डेकर बस का एक्सपीरियंस अच्छा था. अब शहर जो है लोगों से बनता है और लोग जो है यहाँ के शहर से, तो दोनों एक दूसरे के जो है पूरब कह सकते हैं. तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके. और एक पर्यटन के लिए यहाँ पर गुजरात टूरिज्म की बहुत ही अच्छी पहल थी. मैं अपने दोस्तों को और बहुत सारे लोगों को के कहना चाहता हूं कि यहां पर देखो अहमदाबाद की ये बहुत ही अच्छी पहल है. और बहुत ही अच्छा मुझे लगा, गाइड सर जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज़ बताई, इवन उन्होंने एक्स्ट्रा भी बताया और हम लोग को अपने साथ ही साथ लेके सब गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. बहुत अच्छा सिटी है, घूमने के लिए आए थे हम लोग अहमदाबाद. अभी मैच देखने के लिए आईपीएल के लिए आए थे. जो जो भी यहाँ पे आएगा तो उसको मेरे ख्याल से बस बुक करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को पॉइंट मालूम नहीं रहते. लोग गाइड के हिसाब से सब लोग इंफॉर्मेशन दे के पूरा कवर कर रहे हैं. और घूमने के लिए अच्छा बस अच्छी है, ये अच्छी बस है. गुजरात टूरिज्म का जो इतना अच्छा पहल किया हुआ है, तो आज हमने उसको ज्वाइन किया है. सुबह से हम काफ़ी प्लेसेस देख चुके हैं और अब हम कांकरिया लेक जा रहे हैं. इसमें हमारा सबसे पहला जो रहा है साबरमती रिवर फ्रंट, वो सबसे प्लीजिंग अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा. मतलब एक अट्रैक्टिव था, वो अट्रैक्शन है इस पूरा ट्रिप का. और हम अब अभी तक जितना भी देखा बहुत अच्छा लगा. एक तरह से अहमदाबाद का हमको नॉलेज मिल रहा है, प्लस हमारे गाइड जो है वो सही में बहुत, मतलब उनको बहुत अच्छा नॉलेज है और उन्होंने हमको अच्छे से कॉपरेट भी किया और अच्छे से गाइड भी किया है और वो आगे भी करेंगे. हम इसके बाद जाएंगे कांकरिया लेक, देन गांधी आश्रम भी जाएंगे. बट हाँ, ये हमारा जो दिन था जो हम वेस्ट सोच रहे थे, आज बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो गया हमारे लिए. इसीलिए गुजरात टूरिज़म के लिए हम थैंकफुल रहेंगे. गुजरात टूरिज्म द्वारा अमदावाद शहर ने, अमदावाद देखो ने, खास करीने कॉर्पोरेशन द्वारा एक बस नुं आयोजन करवामां आव्युं छे. ये हाल में अपने बस में जाइए तो जोई सको छो कि अहींया जे पेसेंजर छे, पेसेंजर नी साथे साथे अपनी पास गाइड पण छे. जे अमदावादनी माळखाकीय जे कहेवाय कि हेरिटेज कहेवाय छे, हेरिटेजनुं एक उदाहरण आपे छे, समजाववामां आव्युं छे. खास करीने आपणे गाइड पासे वात करीशुं के अमदावादमां कई कई जग्या छे जे दर्शकोने बतावामां आवे छे. शुं नाम आपणुं? मारुं नाम वत्स जोधाणी छे, पिंक ट्रावल्समांथी छूं. आमा छे के मारे बे टाइपनी टूर चाली रही छे, एक मॉर्निंगमां चाली रही छे ने एक इवनिंगमां चाली रही छे. मॉर्निंगमां शुं के आपणे अमदावाद लोकल साइटसींग फेरवीए छे, सवारे 9 वाग्याथी लईने सांजना 4 वाग्या सुधी. એમાં આપણી પાસે સૌથી પહેલાં રિવરફ્રન્ટ, ત્યાંથી સીધી સૈયદની જાળી, પછી ભદ્રકાળી ફોર્ટ, ભદ્રકાળી મંદિર, જામા મસ્જિદ, 3 દરવાજા, ત્યાંથી નાની સિપ્રી મોક્સ, કાંકરિયા લેક, હઠીસિંહ જૈન ટેમ્પલ અને લાસ્ટમાં આપણે ગાંધી આઝમ વિઝિટ કરે છે. અને ઇવનિંગ ટૂરમાં એવી રીતનું હોય છે કે પ્રાઇવેટ બેઝિક પર આપણે આપીએ છીએ. લીઝર ટૂર છે, કોઈની બર્થડે પાર્ટી હોય, કોઈની એનિવર્સરી હોય, તો વિથ ડિનર સાથે હોય છે. એમાં આમાં કેટલા કલાકનો સમય હોય છે અને એવા બુકિંગ છે કે ઓનલાઈન બુકિંગ હોતું હોય છે કે શું હોય છે વિગત? આમાં સવારે 9:45 રિપોર્ટિંગ ટાઈમ હોય છે, 9 વાગે ટૂર આપણી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. અને બુકિંગ માટે આપણે ગુજરાત ટુરિઝમની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે ત્યાંથી બુક થાય છે, અને www.dekoamdavad.com વેબસાઇટ પરથી બુકિંગ થાય છે. આમાં ટોટલ કેટલા કિલોમીટરની જર્ની રહેતી હોય છે? અમદાવાદ શહેરને હેરિટેજ વિસ્તાર ગણવામાં આવે છે, એક દર્શકોને બતાવવામાં આવે છે, શું કહેશો? આમાં ટોટલ મિનિમમ આખું 20 કે 30 કિલોમીટર આસપાસ જેવું અંતર હોય છે એ પ્રમાણે હોય છે આમાં. અને ટોટલ મોસ્ટ ઓફ બધી હેરિટેજ પ્લેસીસ આપણે કવર કરાવડાવીએ છીએ. હા, તે અમદાવાદ હેરિટેજની જે વાત, ખાસ કરીને વાત કરે તો અમદાવાદ દેખોની બસનું જે આયોજન છે જે કરવામાં આવ્યું છે અને ખૂબ પ્રશંસનીય જે કામગીરી છે. કેમેરા પર્સન નીતિન ગાયકવાડ સાથે ગિરીશ બારોટ, બુલેટિન ઇન્ડિયા, અમદાવાદ.